दोस्तों अब आपके लिए बहुत ही हाई टेंशन वाला सिनेरियो आ चुका है। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि कल है वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद आप थर्सडे को बंद रहोगे, फिर यू विल ओपन फ्राइडे, ये ट्रेड होगा, ये दो दिन ट्रेड होना बाकी है, एक और दो, और इसके बाद सैटरडे संडे मार्केट बंद हो जाएगा। यानी कि 1, 2 और 3, 3 दिन का हॉलीडे आपको देखने को मिलेगा। 3 दिन का हॉलीडे है और कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कल तक कुछ नहीं हुआ, कल मार्केट क्लोज होने के बाद पूरे 36 घंटे होंगे जिसमें कोई बड़ा इवेंट आ सकता है, जिसमें पहला इवेंट मैं बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फ्राइडे को आप खुल के क्लोज हो जाओगे 2 दिन के लिए, तो भी टेंशन बहुत है। तो ईरान, इजराइल, जितने भी IDF, आप जानते होंगे IDF, अगर आप नहीं जानते हो तो हर एक पर्टिकुलर नेशन की क्या होती है, एक सीक्रेट एजेंसी होती है, जो पोटेंशियली उनके इतने सीक्रेटली एजेंट होते हैं, जो वो पोटेंशियल देखेगा क्लू दे देते हैं कि ऐसा कुछ हमला होने वाला है या फिर ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ हरकत होने वाली है, इसके क्लू दे देते हैं। लेकिन विश्व में जो सबसे स्मार्टेस्ट सिक्योरिटी एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी है, वो है इजराइल की। अब आप समझ सकते हो, तो अगर उसने कोई आपको आउटकम दिया है तो उसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि गाजा अटैक का आउटकम का उसने 24-48 घंटे पहले बता दिया था, लेकिन नेतन्याहू ने उसको लाइटली लिया था। तो अब यहां से इजराइल को पूरी तरह से IDF से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 24 घंटे में या 48 घंटे में आप देखिएगा ईरान अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सकता है, वो प्रॉपर वे में तैयार हो रहा है। और फिर उसके बाद आपको बताया, जो सुपर पावर है, सुपर पावर की भी अपनी एजेंसीज हैं, तो व्हाइट हाउस ने कहा है ईरान कुड लॉन्च सिग्निफिकेंट अटैक ऑन इजराइल दिस वीक। तो आप समझ सकते हो इस वीक में आपका एक दिन चला जा चुका है, आज चला गया, ट्यूसडे हो चुका है। अब आपको इसमें ये देखना है कि इसके साथ टाइमिंग कुड इफेक्ट द गाजा डील। अब आपको पता है एक तरफ सीज फायर की डील हो रही है और एक तरफ ईरान पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है, तो सिग्निफिकेंटली पूरी तरीके से यहां पे आप देखेंगे पूरी तरीके से जो इजराइल है और जो वॉशिंगटन है वो कह रहे हैं ईरान कुड लॉन्च मेजर अटैक, इट हैज थ्रेटेंड ऑन इजराइल दिस वीक। यानी कि इस हफ्ता, ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है। 3 दिन एक तो बाजार बंद रहेगा और 3 दिन में जो टॉप एजेंसी है इजराइल की, IDF और अमेरिका की, उन्होंने कहा है एनी टाइम, और आप कल के बाद देखिएगा क्लोज हो जाओगे। तो अगर मान लीजिए कल रात को कुछ हुआ तो दिक्कत, 2 दिन छुट्टी, और अगर फ्राइडे की रात को हुआ तो 2 दिन बाजार बंद, तो दिक्कत। यानी कि 3 दिन की जो ये बीच में गैपिंग आ रही है, और एक ही दिन मार्केट बंद रहेगा, फिर जो इस बीच में कोई बड़ा इवेंट हो जाता है इस तरीके का, तो आपको अपने पोजीशन को काटने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, BTST पोजीशन नहीं बनानी है, एटलीस्ट हैवी नहीं बनानी है। भले आप 2-4 लॉट की बना रहे हो तो कोई बात नहीं, उतना गम खा सकते हैं आप, लेकिन अगर आप रिस्क ले भी रहे हो तो 2-4 लॉट से ज़्यादा मत लेना, क्योंकि पूरा सिनेरियो ही हो सकता है पलट जाए। पूरा मान लीजिए मार्केट एक दिन पूरा गैप अप खुले 300 पॉइंट, और एक दिन सीधा 2-4% डाउन खुले अगर ये ईरानियन अटैक हो जाता है। चूंकि ईरानियन अटैक को इसलिए आप रशिया यूक्रेन से या फिर आप इसराइल और पैलेस्टीन से कंपेयर मत करिएगा। ईरान एक बहुत बड़ी कंट्री है और इसराइल एक बहुत बड़ा देश है, और इसराइल के साथ सीधा अमेरिका खड़ा है, उसने पहले से लॉन्चर्स देखिएगा रेडी कर लिए गए, अभी दिखा भी दूंगा आपको। और अब जब US देखिएगा इसराइल के साथ खड़ा होगा, तो कई सारे गल्फ नेशंस ईरान के साथ आ जाएंगे, तो ये ब्लॉकेट डिवाइड हो जाएगा और तब बहुत भीषण युद्ध हो सकता है। आप समझ रहे हो, ये चीज हो जाएगी। तो इसीलिए जो सीज फायर की टॉक है और ये सब चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, इसका बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ सकता है। और अल्टीमेटम दिया है बार बार अमेरिका, अल्टीमेटम दे रहा है, कोई तो कह रहा है 24 घंटे में होगा, कोई कह रहा है दिस पर्टिकुलर वीक इज वेरी वेरी टेंस फॉर द इसराइल। और कहीं पर बातें चल रही हैं, किसकी बातें चल रही हैं, आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 अगस्त के बीच में जो सीज फायर की टॉक होनी है उस पर क्या होगा, और 15 अगस्त को हमारे क्या हॉलीडे है। अगर मान लीजिए 14 अगस्त को हमला हो जाता है रात को, अब आप समझिएगा, तो ये 15 अगस्त वाली डील अपने आप क्लोज हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, ये सीज फायर की टॉक अपने आप क्लोज हो जाएगी।
अगर ये टॉक हो जाती है तो बहुत वेल एंड गुड है, तो फ्राइडे को मार्केट इस पर रिएक्ट कर देगा, लेकिन इससे ईरान का बदला पूरा नहीं होगा अगर सीज फायर टॉक हो भी जाती है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कुछ भी हो सकता है घंटों में और एक पर्टिकुलर डे में भी, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट और इसको भूलना नहीं है। राम राम।